अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की तीसरी वीडियो है। मुझे भी कुछ इश्यूज आते हैं, मैं उन इशू को, जो भी इशू मेरे पास सामने अरेज होता है, मैं फिर उसे सॉल्व करके आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। अब ये जो तीसरा इशू मेरे पास आया है, मेरे पास अभी एक फॉर्म है, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है। तो इस फॉर्म में प्रॉब्लम ये है कि इन पर्सन को मैंने पहले पर्सनल नंबर से फाइंड किया, उसी तरह कंप्लीटेड में 90 12 62 61, ठीक है, इन पर्सन को मैंने फाइंड किया कि मुझे नहीं मिले, पर्सनल नंबर से नहीं मिले, ना क्यूसी में और ना कंप्लीटेड में। मैंने कंप्लीटेड में दिया, देखा ही नहीं, अब मैं जा रहा हूँ क्यूसी में देखने। अब दोबारा मैंने इसे पेश किया आके क्यूसी में, ये मौलवी साहब मुझे इधर भी नहीं मिले। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैंने इनकी नई डेटा एंट्री करनी शुरू कर दी, मैं दो पेज एंटर कर चुका, जब मैंने इनका CNIC दे के एंड में जा के मैंने किया कि ढूंढना शुरू किया, नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट करना शुरू किया, तो उसने कहा ये CNIC ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। तो फिर मुझे मजबूरी देखना पड़ा कि इन्हें अब CNIC के हिसाब से मैं ढूँढूँ। CNIC के हिसाब से ढूंढा मैंने इन्हें, देखे मैं इनका CNIC नंबर दे रहा हूँ, 301 177 47 19 7 40 19 7, ठीक है। अब ये देखें, ये मौलवी साहब मुझे मेल के जो मुझे पर्सनल नंबर फॉर्म नंबर उन दोनों के साथ नहीं मिले, अब ये मुझे मिल गए। अब ये इशू आप लोगों के साथ भी आएगा, अगर देखें कोई बंदा आपको फॉर्म नंबर के साथ नहीं मिलता, पर्सनल नंबर के साथ नहीं मिलता, तो थर्ड स्टेप आप ये ले लें कि आप पर्सनल नंबर के बाद फॉर्म नंबर के बाद इसको CNIC को एज अ सर्च आइटम रख के आप सर्च कर लें, इंशाल्लाह आपको बंदा मिल जाएगा। मोस्टली डेटा एंटर है, क्योंकि मैंने आप देखें दो पेज एंटर करके एंड में मुझे पता चला इनका नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने इन्हें नंबर से फाइंड किया तो ये मुझे मिल गया। अब कोशिश करें आप लोग भी ऐसे करें, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, मैं भी बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह आपको रहनुमाई करता रहूँगा। वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेशक बाकी साथियों के साथ जो टीम्स पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।